हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती और वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि की बधाई देना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब आ जाते हैं हम वीडियो पर। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पहले भी कहा था कि जो अदर ऐप्स हैं उनका भी रिव्यू आप शेयर कीजिए। तो फाइनली ये जो ऐप है ये काफ़ी रिक्वेस्टेड ऐप है जिसका नाम है हेडफोन ऐप, ठीक है। इस पर भी आप लोगों को स्टोरी सुनने को मिलती हैं और ये भी कुछ डिफरेंट तरीके का ऐप है जिसमें मतलब आप लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हो अपने जो कंटेंट है आप लोगों का, अपनी वॉइस है या फिर जो आप लोगों ने कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है उसे भी अपलोड कर सकते हो। यानी कि ये किस तरीके का ऐप है जिसमें आप लोग सुन भी सकते हो और अगर आपका खुद का कंटेंट है तो आप लोग उसे अपलोड भी कर सकते हो। हालांकि ये चीज़ हर ऐप में ही है, मैंने ये चीज़ देखी है। तो यही चीज़ इस ऐप पर भी है, बट इसके बारे में आप लोग को और बता देती हूँ। तो ये जो ऐप है ये एक फ्री सोशल ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके जो ऑडियो है उसे अपलोड कर सकते हैं और स्टोरीज को सुन सकते हैं और स्टोरीज को जो है और जो ऑडियोज हैं उन्हें आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को इस ऐप पर क्या क्या देखने को मिलेगा मैं ये बता देती हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर स्टोरीज देखने को मिलेंगी, ऑडियो बुक्स मिलेंगी, रेडियो स्टेशंस मिलेंगे, ठीक है। आप लोगों को रोमांटिक स्टोरीज मिलेंगी, शायरी, गजल, किड्स स्टोरी, गीता, कुरान एटसेट्रा, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी आप लोगों को ऑडियो के फॉर्म में। आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस सुनना है। और ऐप के स्टार्ट होते ही आप लोगों को बोलते भी हैं कि भाई आप लोग हेडफोन का इस्तेमाल करें या फिर ईयरफोन्स का, ताकि आप लोगों को इजी हो जो मतलब ऑडियो है वो क्लियर हो। हालांकि अभी तक मैंने इसकी किसी स्टोरी को सुनकर अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है और कैसी नहीं है, बट मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगी। जैसे ये तो था एक छोटा सा इसका इंट्रो, इसको हेडफोन FM या फिर रेडियो के नाम से भी आप लोग कह सकते हैं क्योंकि ये कुछ इसी तरीके का है। मैं बात करती हूँ इसके कंटेंट के बारे में, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो मेन चीज़ होती है वो यही होता है कि कंटेंट। तो कंटेंट पर अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को क्या होता है स्टार्टिंग में जब आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करते हो उसके बाद आप लोग लॉगिन करते हो, चाहे आप लोग गूगल से या फिर फेसबुक से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद ही आप लोगों से आपका जो मतलब फेवरेट कैटेगरी है, जो भी आप लोगों को जिस तरह की चीज़ें आप सुनना चाहते हो वो आपसे पूछेंगे, जैसे कि रोमांस, थ्रिल, एक्शन या फिर हॉरर, ये आप लोगों से एक कैटेगरी मांगते हैं और उसी तरीके से फिर क्या करते हैं उसी कैटेगरी के बेसिस पर आप लोगों को आगे सजेस्ट करते हैं। आप लोगों को एक सिलेक्ट करना पड़ता है और उसी के बाद वो आप लोगों को उसी तरीके की और स्टोरीज बताते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे रोमांटिक स्टोरी सुनना पसंद है तो मैंने रोमांटिक यानी कि रोमांस पर क्लिक किया था, ठीक है, ये कैटेगरी मेरी फिक्स हो गई। बट ऐसा नहीं है कि आप एक के साथ कई सारी कैटेगरीज को टिक कर सकते हो, नहीं, सिर्फ आप लोगों को एक ही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। हालांकि बाद में जब आपको ऐप पूरा मतलब आप लोग ओपन कर लेते हो उसको, उसके होम पेज पर पहुंच जाते हो, तब आप लोगों को अलग अलग कैटेगरीज भी दिखाई जाती है। मतलब तो ऐसा नहीं है कि एक ही अगर आप लोगों ने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है तो उसी की ही आप लोगों को होम पेज पर सारा दिखाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि हाँ ये होता है कि आप लोग का जो इंटरेस्ट है उसके बेसिस पर उन्होंने आप लोगों को कुछ रेकमेंड कर दी है स्टोरीज, वो बात अलग है, बट अदर कैटेगरीज की स्टोरीज को भी आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली तो आप दूसरी कैटेगरी पर नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, मतलब सेलेक्ट करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों को दिक्कत होगी, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। बाकी मैं बात करती हूँ अब कंटेंट के बारे में। तो कंटेंट जैसा कि मैं बताई चुकी हूँ मुझे इतना खास नहीं लगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यार ऐसी, मतलब आप लोग नाम भी देखोगे ना मतलब ऐसा लगेगा यार क्या है, अगर ये स्टोरी भी है स्टोरी है ये, ऐसे सोचने में लगेगा क्योंकि ना मैंने स्टोरीज वगैरह ये सारी चीज़ें खोल के देखी। और रही बात अगर मैं इनकी जो धार्मिक जो बुक्स वगैरह हैं इनकी ऑडियो बुक्स के बारे में बात करूँ तो यार इतना मतलब आप लोगों को पता है तो वो बात अलग है, फिर भी आप लोग सुनना चाहते तो वो आप लोगों की इच्छा होती है। बट अदरवाइज अगर मैं अदर कंटेंट की बात करूँ तो मैंने इसके एक्शन वाली कैटेगरी, रोमांस वाली, मैंने बहुत सारी कैटेगरीज को खोल के देखा, बट मुझे ना कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं उसको जाके ओपन करूँ और मेरा बहुत मन हो कि मैं उसे सुनूँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं हुई। क्योंकि जो अदर ऐप्स है वहाँ पर ना मुझे एक अलग ही चीज़ देखने को मिली कि पढ़ने में काफ़ी अच्छा है या फिर ट्रेलर काफ़ी अच्छा है, तो वो आई कैची चीज़ यहाँ पर ना मुझे नहीं मिली, पता नहीं क्यों नहीं मिली। फिर भी अगर आप लोग मुझे कोई स्टोरी रेकमेंड करते हो तो डेफिनेटली मैं ज़रूर सुनूंगी यहाँ पर जाके, तो वो आप लोगों के ऊपर है अब, क्योंकि मुझे तो अभी तक इस पर ऐसी कोई स्टोरी मिली नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों के कहने पे अभी ही इंस्टॉल किया है और एक ही दिन में मैं आप लोगों को देख के बता रही हूँ, नहीं, मैंने इसको बहुत पहले इंस्टॉल किया था, मैंने ट्राई किया था इसके ऊपर कि मैं देखूँ कुछ मुझे अच्छा मिलता है या नहीं, बट मुझे तब भी नहीं मिला और मैंने तब इसको अनइंस्टॉल कर दिया था, तब मेरे पास इसकी रिक्वेस्ट नहीं थी कि इसका रिव्यू देने के लिए। बट फाइनली अब मैंने दोबारा से इसको खोला आप लोगों के लिए कि शायद कुछ अपडेट हुआ हो या फिर कुछ अच्छा मिल जाए मुझे, बट अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बट आप लोगों के माइंड में है अगर कोई स्टोरी या फिर जो आप लोगों ने सुन ली है आप लोगों को पसंद है तो वो मुझे आप लोग रिकमेंड कर दो, उसके बाद में जाकर उसको देखते हो, अगर वो फिर भी मुझे अच्छी लगती तो डेफिनेटली मैं, बाकी आप लोग रिकमेंड करोगे तो सुनना तो बनता ही है, फिर मैं उसका रिव्यू आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। बट ये जो ऐप का रिव्यू था ये इतना छोटा सा ही था क्योंकि मैंने इसके बारे में जितनी चीजें देखी हैं उतना ही मतलब उतना मुझे इतना खास लगा नहीं, जितना मैं अदर ऐप्स की तरफ अट्रैक्ट हुई हूँ उतना इसकी तरफ नहीं हुई हूँ। तो अब ये नहीं मुझे पता कि इसमें ऐसा क्या है और बाकियों में क्या है, तो
बस यही है कि ट्रेलर वगैरह काफी इंटरेस्टिंग हो, प्लॉट को अच्छे से बनाया जाए तब ज्यादा वो रहता है, बाकी तो ठीक है। और इतना ज्यादा ना इस पर कंटेंट भी नहीं है अभी जहां तक मैंने इतना देखा है, तो बाकी अब आप लोगों का ओपिनियन जो है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये वीडियो तो आप लोगों के लिए थी, बट आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि जो वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, ये जो मैं आप लोगों को रिव्यू देती हूँ ना, ये टोटली मेरा ओपिनियन होता है, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या ओपिनियन होता है और क्या नहीं होता है, ये मेरा ओपिनियन होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे ना लेके जाएं कि मैंने कह दिया कि अच्छा नहीं है तो नहीं ही है, आप लोगों को भी अच्छा लग सकता है। और कई बार ऐसा होता है मैं भी कई चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, तो वो चीज़ आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग बताओगे, आप लोग की भी तो गाइडेंस चाहिए ना, तो प्लीज़ इन चीज़ों पर आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं आपकी किसी और फेवरेट स्टोरी या फिर ऐप या फिर नॉवल किसी का मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस पर वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे वो सब मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। और यहाँ तक कि आप लोगों को ऐप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें, वहाँ से जाकर आप लोग इंस्टॉल करके खुद से देख सकते हैं। और देखने के बाद आप लोग मुझे आके कमेंट करके जरूर बताना आप लोग का उस ऐप को लेकर क्या ओपिनियन है और स्टोरीज को लेकर क्या ओपिनियन है, ठीक है। तो मैं आप लोग के कमेंट्स का वेट करूंगी। तो बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Bye.